रायबरेली जनपद में इन दिनों जिले के कुछ पुलिसकर्मियों की सह से दबंगों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। पूरा मामला जिले के नसीराबाद थाना क्षेत्र स्थित चतुरपुर गांव का है, जहां पर दबंग पीड़ित श्यामलाल का दिन में दबंग छप्पर हटाते नजर आते हैं और मौके पर पहुंचे यूपी 112 ने सुबह दोनों पक्षों को नसीराबाद थाने तो बुलाया। जहां पर दबंग पीड़ित श्यामलाल का दिन में छप्पर हटाते नजर आते हैं और मौके पर पहुंची यूपी 112 ने सुबह दोनों पक्षों को नसीराबाद थाना तो बुलाया, किंतु पुलिस के आने से दबंग इस कदर कुपित हुए कि आधी रात को छप्पर में आग लगाकर नसीराबाद पुलिस को खुलेआम चैलेंज करते हैं। रात को अचानक आग लगने से छप्पर के नीचे सो रहा युवक गंभीर रूप से झुलस जाता है, जिस पर रात में ही मौके पर पहुंची पुलिस दबंगों के आतंक का तमाशा जरूर देखती है, किंतु मामले के दो दिन बीत जाने के बावजूद अब तक दबंगों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। हद तो तब पार होती है जब मामले की शिकायत पीड़ित थाने पर करने जाता है, तो जहां पर कार्यवाही के बजाय पीड़ित की तहरीर ही बदलकर दो घंटे बाद आरोपियों को खुलेआम छोड़ दिया जाता है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि नसीराबाद पुलिस के सह पर ही दबंग अपनी दबंगई खुलेआम कर रहे हैं। यदि पीड़ित की माने तो पुलिस द्वारा अब तक अपराधियों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अपना सन 80 से रखे हैं साहब हम। ये आपकी जमीन है जहाँ पर? हमारी जमीन है साहब, इस सब छप्पर को रखे 42 साल हो गए। तो क्या हुआ इसमें? इसमें साहब हमारे दरवाजे पर आकर के बीच की रास्ता है, बगल में हमारा छप्पर यानी मड़हा है, और मड़हा के सामने जो आकर के कूड़ा डाले तो हमारी औरत ने कहा कि यहाँ पर बड़का मत डालो, तो उसने कहा कि चली जा सामने से, नहीं चढ़ा लात मार दे बेजोन है। तो क्या घटना क्या अंजाम दिया उसने? तो हम चुपाई मान लिए। तब तक वो गई घर से हंसिया लाई, और हंसिया ला करके हमारा छप्पर जो ना है करीब 5 फुट का उचिन के सब बहा दिया बाहर, और उसके बाद में धमकी दिया कि इसको आज हटा लो, और नहीं हटाते तो रात में आगी लगा कर देंगे और इसी में मर जाओगे। उनका घर यहाँ कितनी दूर पे है? उनका घर यहाँ से करीब 10-20 दूर पर है साहब, हमारे घर से उत्तर साइड में उनका घर है और 10-20 की दूर पर। आगजनी में क्या क्या नुकसान हुआ है आपका? आग जलने पर हमारा नुकसान ये हुआ है साहब कि हमारा इसमें जो है 15 बोरी गेहूं था और 10 बोरी जो है धान था, और 2 क्विंटल आलू थी, और 1 बोरी चावल था। कोई जला भी है कोई आदमी वगैरह कुछ? और हमारा दामाद उसी मलहा के अंदर सोया था, मतलब लेटा था, और मतलब जो है वो 2 बजे रात में आगी लगा दिया साहब। और चाहते क्या हैं आप? जब वो जल गया तो उठ के भागा साहब, और गुहार मचाया जो है, और उस पर जो है फिर 100 नंबर पुलिस आई रात में। क्या चाहते हैं आप इस मामले में? हमको न्याय चाहिए साहब, हमको न्याय मिलना चाहिए सर, हम रह नहीं ना पाओ। घर आप कहाँ है? हमारा घर साहब यही है, पूरे लाल उपाध्याय चतुरपुर।